नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज रंगेसी में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे, यानी आपको मालूम है आपका चुंबक वाला लेसन चल रहा है। चुंबक वाले लेसन में दो क्लासें क्लियर हो चुकी है, आज आपकी तीसरी क्लियर है। और आज आपको बताएंगे यानी हिस्टेरेसिस क्या है, उसका लूप वक्र किस प्रकार बनता है, उसके क्या लाभ है, क्या हानि है और किस प्रकार ये बनेगा। यानी बहुत ही आसान से बताएंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूज इसमें और हर बार कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये आईटीआई की दृष्टि और कंपटीशन दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार हिस्टेरेसिस पीछे रहने का गुण क्या है, किस प्रकार हानि, किस प्रकार लाभ है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और दोस्तों शेयर जरूर करना। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्टेरेसिस है क्या? हिस्टेरेसिस दिखाई दे रहे दोस्तों, दोस्तों आपका हिस्टेरेसिस है जो क्या है, यह है ग्रीक भाषा का एक शब्द है। क्या है? हिस्टेरेसिस ग्रीक भाषा में एक शब्द है। किसका है? ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा। और इस हिस्टेरेसिस भाषा को ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रीक भाषा में स्टीरोज। क्या बोलते हैं? स्टीरोज, स्टीरोज बोलते हैं। और स्टीरोज का मतलब क्या होता है? यानी पीछे रह जाना। यानी स्टीरोज का अर्थ है पीछे रह जाना, पीछे रह जाना। ये चीज़ नोट करने वाले दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेरेसिस किसका शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा में इसे स्टीरोज बोलते हैं। और स्टीरोज का मतलब क्या होता है? यानी पीछे रह जाना, यानी जो राशि पीछे रह जाती है उसे बोलते हैं स्टेरेसिस। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। आगे आपको बता रहे हैं अभी इतना क्लियर होने के बाद में। अब इसमें देखो, अब आपको स्टेरेसिस में क्या होता है, स्टेरेसिस बताएंगे। एक तो स्टेरेसिस वक्र लूप बनाना बताएंगे, एक बताएंगे स्टेरेसिस के क्या लाभ है, क्या हानि है, लाभ और हानि। और ये बताएंगे स्टेरेसिस के मध्य लूप बड़ा छोटा किस प्रकार बनता है। यानी हर चीज़ आपकी इसमें बारीकी से क्लियर कराएंगे, यानी कौन सा भाग किस प्रकार बनेगा। यानी इसमें अब स्टेरेसिस लूप बनेगा तो इसमें एक कैसे बनेगा, यानी इसमें बनेगा बी एच वक्र। और बी एच वक्र में क्या होता है, यानी बी क्या होता है और एच क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करने वाली है, यानी बी का मतलब क्या होगा और एच का मतलब क्या होगा। बी क्या आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और आपको मालूम है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्र क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला, या इसको और क्या बोलते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ज़्यादातर ये पूछते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्र ये होता है टेस्ला। तो ध्यान रखना, बी वक्र आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाएगा तथा आपका जो एच है, अब एच है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। दोस्तों ये चीज़ नोट करने वाली, ये दो चीज़ें आप नोट कर लेना, फिर आपको बी एच वक्र में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यानी बी यानी क्या आता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला में आता है, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस में क्या होता है, आपका एच वक्र दर्शाता है। तो यहाँ तक क्लियर मेरे हिसाब को, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर जिस बंदे को यहाँ पर दिक्कत है, इसको उस बंदे को किसी प्रकार का स्टेशन लूप बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ है आपकी क्लियर। यानी बी एच क्या होता है, एच एनी अकारते क्या होता है। तो मैं आगे बता रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अगर नोट करना चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करें लेना। अब आगे बता रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से समझना। सबसे पहले आपको बताएंगे स्टेरेसिस वक्र लूप किस प्रकार बनता है, क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे हम, इधर बना दो, हाँ एक ग्राफ बनाओ इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, ये ग्राफ बनाने के बाद में हम देखेंगे, एक सीधी रेखा लो इस प्रकार। ये सीधी रेखा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब, हाँ देखो ये तो क्या है दोस्तों, आपका बी, ये ध्यान रखना, अगर ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये एच और ये माइनस है।
यानी बी, यानी अभी मैंने आपको बताया था, यानी बी यानी क्या होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और एच यानी क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार हम तीव्रता है और जिस प्रकार हम आरोपित करेंगे यानी इसको कुछ देंगे तभी तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स बनेगा और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बनेगा, फिर बी एच वक्र बनेगा। तो इस प्रकार हम जैसे हम इसको आरोपित दे रहे हैं इधर से, अब आरोपित कुछ भी दे सकते, माना जैसे 5 एम्पीयर दिया, जैसे 5 एम्पीयर दिया तो इसका एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यानी माना कि यहाँ पर एक अवशिष्ट चुंबक तो बनता है, और अवशिष्ट चुंबक तो कहाँ बनता है यानी चुंबकशीलता कहाँ बनती है, जहाँ पर आपको मैंने बताया था कि पिछले क्लास में फेरो पेरो डायो, इन तीन प्रकार के चुंबकीय प्रदाय, डाया का कोई महत्व नहीं है, फेरो और पेरो पर बनता है, और सबसे ज़्यादा किस में बनता है फेरो पर बनता है, तो उसका चुंबकीय चुंबकशीलता सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति होती है फेरो में होती है, तो उस प्रकार के फेरो में यहाँ पर ये होती है। तो ध्यान रखना इसका एक अवशिष्ट चुंबक तो बनेगा जो इसके लूप के ऊपर डिपेंड करेगा यानी किस प्रकार क्या बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जैसे इसका अवशिष्ट चुंबक तो बनता है, माना यहाँ तक बन गया, तो यहाँ तक बनते ही एक सीधी रेखा खींच होगी यानी इस प्रकार ये लूप इस प्रकार जाता है, अब इस प्रकार ये रेखा है। अब ध्यान रखना जैसे हम आरोपित करेंगे तो यहाँ से अवशिष्ट चुंबक तो बना, ये अवशिष्ट चुंबक तो बन के माना ये आपका ओ बिंदु है, ओ बिंदु से जैसे ही हम आरोपित किया तो इसका अवशिष्ट चुंबक होता है, ये अवशिष्ट चुंबक तो यहाँ तक चला गया, इसको नाम दे दिया आपने अक्ष माना। ठीक है, अब अक्ष देने के बाद यहाँ पर देने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे कम हो जाता है, इस प्रकार बढ़ता नहीं है कम होता है, क्यों, क्योंकि ये लास्ट अवस्था आ जाती है संतृप्त अवस्था, यानी जो अंत सिरा गया इससे ज़्यादा इसका चुंबकीय फ्लक्स बढ़ नहीं पाता है और यहाँ पर जाके ये रुक जाती है। अब जैसे ये आपका ये बना, अब इधर से तो ये हो गया, लेकिन अब इसमें आरोपित बल हटाने पर क्या होता है, माना कि आपने इधर 5 एम्पीयर उधर दी थी तो माना कि अब इधर घट रहा है, तो ये घट रहा है, तो ध्यान रखना ये नीचे घटा गया तो ये इधर ये घटेगा, तो ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ तक ये आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ तक आने के बाद में इस प्रकार वापस घटेगा तो ये वापस इधर इस प्रकार आ जाएगा, और इस प्रकार आने के बाद में इसका चुंबकीय फ्लक्स यहाँ तक अवशिष्ट चुंबक हटाएंगे तो वापस इधर चला जाएगा, और ये आके यहाँ से इसके ये मिल जाएगा, और जहाँ इससे मिलेगा तो वापस यहाँ पर, अब ध्यान रखना ये प्लस है तो ध्यान रखना इसका अवशिष्ट चुंबक तो यहाँ तक हो गया, इसका यहाँ तक हो गया, इसका यहाँ तक और इसका यहाँ तक, तो ये यहाँ तक ये चला गया, और फिर यहाँ तक चले जाने के बाद वापस ये लूप इस प्रकार ये आपका ये बन गया। तो इस प्रकार ये आपका लूप इस प्रकार बनता है। तो दोस्तों अब ये आपका लूप यहाँ पर ये डिपेंड करता है, इतना लूप बनता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यानी लूप किसके ऊपर डिपेंड करता है, लूप हमेशा इसके अवशिष्ट चुंबक के ऊपर ही डिपेंड करता है। ध्यान रखना लूप जितना बड़ा होगा, यानी इसमें आपका अवशिष्ट चुंबक है, ये लूप जितना बड़ा होगा उस प्रकार ये होगा, यानी कुल मिला के आप ही चुंबक विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इसका लूप भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी क्या होता है कि हिस्टेरेसिस का मतलब होता है पीछे रह जाना, यानी कोर फ्लक्स घनत्व आरोपित चुंबक के फ्लक्स पर को पीछे रह जाती है और धारा निकल जाती है और फ्लक्स भी पीछे रह जाता है। स्टेसिस लूप जिसमें लूप बड़ा होगा उसमें स्टेसिस हानि भी उतनी अधिक होगी, और जितनी अधिक होगी, और ध्यान रखना स्थायी चुंबक बनाने के लिए बड़ा लूप काम में आता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए छोटा लूप काम में आता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जितना छोटा लूप बनेगा वह आपका अस्थायी चुंबक बनाने के लिए काम में आएगा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना एक आता है सिलिकॉन स्टील, तो सिलिकॉन स्टील में हमेशा छोटा लूप बनता है, इस प्रकार ध्यान रखना, क्यों बनता है, क्योंकि वो आपका सबसे फेरो प्रकार का चुंबकीय प्रदायक किसका होता है, सिलिकॉन स्टील का, जिसमें क्या होता है आपका ये लूप छोटा बनता है, इसी कारण ये आपका अस्थायी चुंबक बनाने के काम में आता है, और जैसे लूप बढ़ता है वह आपका स्थायी चुंबक बनाने के काम में आता है। दोस्तों वैसे इसमें इतने क्वेश्चन पूछते नहीं, तो आपका ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, इससे पहले क्या होता है डब्ल्यू, तो इस प्रकार ये हो गए भाग, तो मेरे हिसाब से इस प्रकार आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी, तो इस प्रकार आपका ये लूप बनके तैयार हो गया, किसी प्रकार की मेरे हिसाब से किसी प्रकार की आपको दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। तो दोस्तों इसमें आपको यही ध्यान रखना, यानी इसका हिस्टेरेसिस वक्र, यानी ये आपका हिस्टेरेसिस वक्र, अब इसके हानि और लाभ क्या है दोस्तों, ध्यान रखना आपके दोस्तों बोले ट्रांसफार्मर मोटर जनरेटर हर में आपका हिस्टेरेसिस पीछे रहने का गुण, पीछे रहने का गुण क्या होता है, यानी हम इसको सप्लाई देते हैं हाँ, वो हमें उतना फ्लक्स पैदा करके नहीं देती, यानी कुल मिला के कुछ ना कुछ उसमें लॉसेज हो जाने, पीछे रह जाना, और ये पीछे रहना ही आपका हिस्टेरेसिस कहलाता है। अब इसमें लाभ और प्रॉफिट क्या है, तो लाभ और प्रॉफिट यह है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लूप बड़ा बनाएंगे और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लूप छोटा बनाएंगे, तो आपके
स्टेसिस की ये लाभ और हानि है। ध्यान रखना, किसी प्रकार का पुर्जा हो उसमें स्टेसिस हानि कन्फर्म होगी, भले वो कितनी हो। क्यों? क्योंकि पीछे रहना गुण आपका क्या कहलाता है, स्टेसिस कहलाता है, जो आपके सामने ये दे रखा है। यानी सिलिकॉन स्टील का लूप छोटा होता है और ट्रांसफॉर्मर मोटर जनरेटर में आपका जितना छोटा लूप होगा उसमें स्टेसिस हानि उतनी ही कम होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में आपको बताएंगे यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबरी क्यों होता है, रिलक्टेंस का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्यों होता है, परमिटेंस का मात्रक, यानी हर चीज़ बताएंगे क्यों होता है, किस लिए, तो पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो दोस्तों अगली क्लास भी आप मिस ना करें और क्लास को पूरा देखना दोस्तों।